स्वागत है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति का ऐलान हो गया है। नई कार्य समिति में पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह समेत 80 सदस्य शामिल हुए हैं। कार्यकारिणी में इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश से समिति में सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार खटीक समेत कई लोगों को जगह मिली है। कार्य समिति में ओम प्रकाश ध्रुवे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय बतौर राष्ट्रीय महामंत्री कार्य समिति में शामिल हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह को कार्य समिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही प्रदेश से धरमलाल कौशिक, सरोज पांडे, अजय चंद्राकर, पवन साय को राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया गया है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने जो विश्वास किया है उसके लिए पार्टी का आभारी हूं। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मध्य प्रदेश में राजनीति का मैदान हो या सदन, हर मैदान में चौके, छक्के और सेंचुरी लगाने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया। सर, पहले तो बहुत बधाई हो नई जिम्मेदारी की। किस तरीके से देखते हैं जिम्मेदारी को? बहुत धन्यवाद सूरज भाई। मैं केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का भी इतनी ऊपर से ध्यान रखा जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसलिए कोई पार्टी वाला अपनी पार्टी को माँ नहीं कहता, पर भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी पार्टी को माँ कहते हैं। आज नवरात्रों का पहला दिन भी है, माँ दुर्गा का पहला दिन, शुभ दिन, शुभ काम, शुभ मुहूर्त। और इस सब मुहूर्त में मैं आपके माध्यम से, बंसल के माध्यम से ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं हर कसौटी पर जो काम वो देंगे उस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपका बड़प्पन है कि छोटे कार्यकर्ता कह रहे हैं, कई बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो दिल्ली में रहते हैं, केंद्रीय राजनीति करते हैं, क्या वजह रही? क्या वाकई लोटस 2 के सफल होने का एक नाम है, मैन ऑफ द मैच कहें? नहीं, लोटस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोटस हुए, 2 साल होने को आ गए, अब इन बातों में कोई नहीं है और सभी उसमें। और मेरी मान्यता है कि पार्टी जिम्मेदारी दे तो उसको निभाना चाहिए। वैसे जो भी जिम्मेदारी मिलती है, कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर की तरह आप उस हर बॉल पर हिट करते हैं और जिम्मेदारी को निभाते हैं। आगे भी उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, किस तरीके से देखते हैं? उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी सहज में ही जीत रही है। अरुण यादव जी का चलती गाड़ी से उतरना, हमारी झाबुआ अलीराजपुर की सीट की जो मुख्य प्रत्याशी थी उसका भाजपा की बस में चढ़ना, तो स्वाभाविक रूप से बाकी सब खेत रहने वाले हैं, ये वातावरण बता रहा है। एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने से इनकार करे जिसने कभी टिकट बांटी हो और उसे टिकट न मिल पा रहा हो, तो ये कांग्रेस का फजीता ही होने वाला है। ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को अपनी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसको वह पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आशीष खरे के साथ सूरज।